सब्सक्राइब कीजिए टेक्नो गेमर्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड गेमिंग वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। YouTube guys, कैसे हो सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस मैं आप सभी के लिए एक और न्यू गेम प्ले सीरीज जो है लेकर आ चुका हूं। तो इस सीरीज में हम खेलने जा रहे हैं लास्ट डे रूल सर्वाइवल। अब कुछ पता नहीं है वाली सीरीज कंटिन्यू करेंगे या फिर नहीं करेंगे, वो आपके कमेंट्स पे डिपेंड करेगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखना, क्योंकि यार जो गेम है वो बहुत ज्यादा मजेदार है एंड एक सर्वाइवल गेम है। एक स्टोरी बेस्ड टाइप तो गेम नहीं है, सर्वाइवल है और बट ये मल्टीप्लेयर ऑनलाइन गेम है, तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। जैसे पबजी वगैरह में ओपन वर्ल्ड सिटी नहीं होती, सेम टू सेम इसमें भी वैसे ही आपको पूरे वेदर्स भी देखने को मिल जाएंगे, स्मोक मिरामार टाइप एंड इरेंगल मैप एरिया भी मिल जाएगा। तो पूरा देखना वीडियो को एंड तक, एंड पसंद आया तो मेरे को नीचे अगर कमेंट में जरूर बताना कि इस सीरीज को कंटिन्यू करा जाए या फिर नहीं करा जाए। और गाइस मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज तो बताना ही भूल गया। तो गाइस अगर आप घर बैठे गेम खेलकर पैसा कमाना चाहते हो तो मिनी जॉय एप्लीकेशन आपके लिए बहुत ज्यादा बेस्ट रहेगी, क्योंकि इस एप्लीकेशन के अंदर आपको डिफरेंट टाइप की बहुत सारी गेम्स देखने को मिल जाती है जो कि यार बहुत ज्यादा ईजी भी होती है। तो इन सभी गेम्स को खेलकर आप बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हो। एंड साथ के साथ इसके अंदर एक फीचर होता है हैन वाला। उसमें क्या होता है कि जैसे ही आप मतलब कि इन एग्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर एग्स मतलब जैसे गोल्डन एग्स कह सकते हो आप, उसके अंदर से आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे एंड उन पॉइंट्स को आप सीधा पैसों में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसी तरीके से आपको डेली इस तरीके से आके जो है मुर्गी के अंडे को फोड़ना है। एंड साथ के साथ इसके अंदर आपको एक फीचर मिलेगा जिन का, जिसमें आपके जिन के लैंप को जैसे जिन नहीं करता लैंप पे अपने अब मतलब कि ऐसे ऐसे हाथ रगड़ता है, सेम टू सेम अपने अपना थंब को करना है इसके लैंप पे एंड आपके पैसे जो है बढ़ते जाएंगे। मतलब कि इस तरीके से भी अर्निंग होते जाएगी जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। एंड जीते हुए जितने भी पैसे हैं आप सभी को सीधा विड्रॉ कर सकते हो अपने पेटीएम अकाउंट में भी बहुत ज्यादा आसानी से। तो गाइस बहुत ही कमाल की एप्लीकेशन है, जाकर एप्लीकेशन को डाउनलोड करो। डाउनलोड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और मुझे जरूर बताना है एप्लीकेशन आपको कैसी लगी। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको गेम के कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस देता हूँ जो कि मुझे पहले से पता है, क्योंकि इस गेम का जब बीटा वर्जन आया था तो मैंने उसको ट्राई करा था। तो यहाँ पर इस गेम में आपको एक आइलैंड दिया जाता है, जिस आइलैंड में आपको तीन टाइप के एरियाज मिल जाएंगे। पहला एरिया होता है फॉरेस्ट एरिया और दूसरा होता है आपका डेजर्ट एरिया एंड डेजर्ट मैप टाइप होता है जैसा आप बैकग्राउंड में देख रहे हो, और तीसरा होता है वो होता है स्नो एरिया जहाँ पर बर्फ पड़ी होती है। तो इन तीनों एरिया के अंदर ना भाई साहब मतलब बहुत सारे ट्रीज होते हैं, एनिमल्स होते हैं अलग अलग टाइप के, तो हमें उन्हें मारना होता है। एनिमल्स मारोगे तो आपको खाना मिलेगा एंड अगर आप ट्रीज को कट करोगे पत्थर को तोड़ोगे तो आपको सर्वाइव करने के लिए अपना वेपन बना सकते हो आप। एंड साथ के साथ आपको गैस कैन वगैरह ये सब भी मिलते रहता है इस गेम में, और इन सब का चीज़ों का यूज़ कर आप अपने लिए वेपन बना सकते हो, अपना लकड़ी का यूज़ करके घर बना सकते हो, और अगर आप पत्थर तोड़ोगे तो पत्थर तोड़ आप अपना मजबूत घर भी बना सकते हो, और भी बहुत कुछ है। और गाइस इस गेम में साथ के साथ एनिमीज भी आते, क्योंकि ये भी एक मल्टीप्लेयर ऑनलाइन गेम है जिसमें एक सर्वर होता है और उस सर्वर में बहुत सारे लोग होते हैं, सब लोग अपना अपना घर बना रहे होते हैं और आपस में एक दूसरे को देख लेते हैं तो थोड़ी बहुत लूट के चक्कर में फोड़ देते हैं सिर। तो इतना ही पता था मेरे को गेम के बारे में, अभी गेम को कंटिन्यू करते हैं। अब गेम जो ऑफिशियली रिलीज हो गया तो क्या पता कुछ नया आया हो। तो अभी हम आ चुके अपनी लॉबी में एंड ये देख लो भाई मैप किस टाइप का यहाँ पर होने वाला है। तो अभी हम इसे पूरा तो एक ही दिन, बहुत बड़ा मैप है भाई, ये बहुत बड़ा मैप है, समझ लो अगर रियल लाइफ में देखा जाए ना तो समझ लो इरेंगल सैनोक मिरामार और विकेंडी चारों मैप को भी जोड़ दोगे ना तब भी इतना बड़ा एरिया नहीं बनेगा मेरे हिसाब से तुम, क्योंकि यार ये बहुत ज़्यादा एरिया है। ओके तो यहाँ पर अभी हम आ चुके अपने मैप में, तो यहाँ पर करना क्या है लेकिन, तो ये पेड़ है इसे कट, ओके हम अपने फिस्ट से इसको कट कर रहे हैं बट बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो यहाँ पर हमें वेपन नहीं दिया गया, ओके तो ओके नीचे वेपन दे तो रखा है। अरे भैया हम तो खाली पीली अभी उंगलियाँ तोड़ो वादी भाई साहब मुक्के मार मार के फिर दिख रहा है। ओके तो यहाँ पर हमने इस वाले पेड़ को जो है पूरा कट कर दिया एंड आगे चलते हैं। और ये देखो भाई हमारे पीकॉक जी बैठे हुए हैं, इसका सर फोड़ेंगे अभी, चल तेरी की। ओह भाग गया भाई, तो इसका दोबारा सा भाई मेरे को भी मीट चाहिए, भूख लग रही है बहुत तेज, कभी भी आओ लो भी बेर रहे तेरी बेचारे के छोटे से पीकॉक के दो हेडशॉट मार दिए भाई। अरे 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 हटियो तेरी ऐसी की तैसी, इसको पकड़ो भाई साहब, अगर मैंने इसको मार दिया ना मेरे को बहुत ज़्यादा मीट मिलने वाला है, मतलब कि अगर मेरी हेल्थ इसमें ऐसा नहीं होता कि आपकी हेल्थ कम होगी तो फर्स्ट एड, और ये मर क्यों नहीं रहा भाई। हेलो अरे भैया तेरे भाई साहब यक इनविजिबल आदमी, ओ भागा 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 पड़ी 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 यार ये तो बहुत तेज भाग रहा है, इसको यार एक शॉट खाते ये लोग भागने लग जाते हैं ना, मतलब दिमाग सा खराब, इसके हेडशॉट मारूंगा आपकी, अब इतना दिमाग नहीं खराब इसके हेडशॉट पड़ेगा। हाँ ले बेटा पट्ट से हेडशॉट, अरे फिर भागा है यार ये तो, अबे मर जा भाई। तो गाइस मैं आपको क्या बता रहा था कि हाँ अगर आप इसकी आपकी मतलब इस गेम में हेल्थ कम होती है ना तो ये मत ढूंढना कि फर्स्ट एड ढूंढ लूँ बैंडेजेस ढूंढ लूँ, तो भाई आपको खाना खाना पड़ेगा अगर आपकी हेल्थ कम होती है, तो वो सब भी शायद आगे चल के मिले मुझे पता नहीं है, बट मैंने जिस इस टाइप की सर्वाइवल गेम्स में मैक्सिमम यही होता है कि आपने मीट खाना पड़ता है एंड बहुत सारे जो चिकन वगैरह सब कुछ जो आप कलेक्ट करते हो वो खा जाओ, मतलब
ट्री मत खा जाना पेड़ कहीं, कह रहे भैया वुड तो खा ही नहीं रही है, तो वुड आपके सिर्फ और सिर्फ बनाने के लिए, मतलब कि अगर आपको कुछ क्रिएट करना है उस चीज़ के लिए बस वो। तो यहाँ पर हमें मेन जैसा फोर्टनाइट में होता है वुड्स कलेक्ट करनी होती है, सेम टू सेम इसी में है। यहाँ पर हम ये देखो नीचे रैबिट जा रहा है हमारा, ये मैं इनसे पंगे ही नहीं लूँगा भाई, ये मरते तो हम ही साले कब तक, ये पिटेगा अभी रैबिट भाई, मैं इसको तो मैं मारूंगा। क्या नशे वशे में फिर नशे कर रखे इसने नशे कर रखे क्या रैबिट ने भाई, इसके पड़ेगा तो हेडशॉट ले बेटा पड़ा इसके, अरे भैया ओके तो वो भाग जाएगा, उससे कोई मारने का फायदा नहीं है। तो यहाँ पर मैं पहले ना अपना लोकेशन ढूंढते हैं जहाँ पर हमें घर बनाना चाहिए, उस लोकेशन को ढूंढेंगे, क्योंकि यार डेजर्ट में बनाऊंगा तो शायद मेरे को डेजर्ट एरिया बोरिंग लगता है, पता नहीं क्यों मेरे को उसकी थीम ही गंदी लगती है, मेरे को ये थीम अच्छी लगती है। तो यहाँ पर एक घर बना लेते हैं, पहले कोई ढंग की जगह ढूंढते हैं, फिर आराम से ढंग की जगह जब मिल जाएगी, वैसे ये जगह भी अच्छी है यहाँ पर, बट ग्रास बहुत ज़्यादा है, तो देखते हैं अभी कहाँ पर हमें घर बनाना चाहिए, मुझे तो खुद नहीं समझ आ रहा, तो देखते हैं भैया अभी ढूंढते हैं यहाँ पर। तो कोई जगह तो ढंग की भी दिख ही नहीं रही भाई, कहीं थोड़ा हिल विल पे एरिया हो जहाँ पर मुझे कोई मारने ना आए और मैं एकदम सेफ फील करूँ। तो ओके मैं बहुत देर से घूम रहा था, तभी मुझे यहाँ पर एक टोपीदार बंदा दिखा, मतलब कि कहाँ जा रहा है भाई ये। ओके तो मैं इस बंदे को ना मारने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ, ये देख लो मतलब कि ये बंदा लग ही नहीं रहा इसके, और ये भी मेरे को मारना चाह रहा है, बट ओके अरे मर जा भाई। लो क्या खा कर आए हो तुम, देख रहे हो भाई बंदा कितना जंप वंप मार रहा है, तो ये शायद मुझे मारना नहीं चाहता यार, मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये जो बंदा है ना इसके पास ड्रेस व्रेस बहुत ज़बरदस्त है, तो मेरे को लग रहा है एक्सपीरियंस प्लेयर है। पहले तो मैं भाग रहा था बट ये खुद ही मेरे पास आ जाता है जब भी मैं इसे छोड़ता हूँ, देखना अभी अभी कैसे बंदर की तरह जंप लगाकर आगे चला गया। अब मैं इसके पीछे आ रहा हूँ मारने, बट ये मेरे को अटैक नहीं करना चाह रहा है बंदा मेरे पे, इसके पास जबकि थोड़ा तगड़ा वेपन है, इसने लकड़ियाँ तोड़ तोड़ के देख लो कितना तगड़ा वेपन अपने लिए बना लिया। ओके तो मुझे करना क्या है भाई, तू निकल यहाँ से, दिमाग ख़राब कर रहा है भाई, भागे जा रहा है भागे जा रहा है। तो मैं इस पेड़ को तोड़ता हूँ, थोड़ा बहुत मेरे को कलेक्ट करना है वुड कलेक्ट करना है, ताकि मैं अपना ढंग का मकान बना पाए, थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए मैं ताजमहल बना दूंगा आज, मतलब मेन तो सबसे पहले आपके पास एक अपना घर होना चाहिए। तो आज अबे भाई ये कहाँ से आ गया, क्या चाहिए तेरे को, ये मेरे को मारना नहीं चाहता है, कुछ बात करना चाहता है, और ऐसा मत सोचना कि इसमें कोई बॉट प्लेयर होते हैं गाइस, ये सच्ची में रियल प्लेयर्स होते हैं सारे इस गेम के अंदर, इसका मतलब क्या कहने का। अबे क्या हो रहा है इसको, ऊपर उठक बैठक क्यों करे जा रहा है ये, ए भाई क्या तेरी ऐसी की तैसी इसका सर फोड़ चल तेरी, ओए लगाई नहीं अबे लगाई नहीं, ओए भाई सॉरी सॉरी सॉरी, अरे भाई साहब इसका वेपन तो बहुत ज़बरदस्त है, मेरी पूरी हेल्थ चलेगी, अरे भैया माफ़ कर दो, अरे अरे मत मार भाई मत मार, बिग फैन, अरे भैया मैं मेरे से गलती से लग गई थी यार, तुम तो एकदम भड़क गए, अरे माफ़ कर दो भाई, अभी कोई बात नहीं यार, स्टार्टिंग में करना पड़ता है, अभी मार मूड देगा साला, गलती से लग गई थी यार, तुम तो एकदम मारने लगे। ओके तो ये बात कर सकते हैं इस, अगर आप अच्छा कमांड वाले बटन से हम इनसे बात कर सकते हैं, नाइस। तो इसमें माइक का बटन भी देना चाहिए था शायद से, पहले गेम के अंदर माइक का बटन था पता नहीं यार, पहले तो था मेरे को याद भी नहीं आ रहा। तो यहाँ पर इसको मैं बोलता हूँ साथ आने के लिए, फॉलो मी करा है वो बंदा भी, फॉलो मी कर रहा है। मेरे को यार पहले ना अपना हेल्थ बढ़ाना, साले ने दो डंडे मारे रख रख के मेरे सिर पे, 100 से एचपी मेरी हो चुकी है 15। तो यहाँ पर मैं थोड़ा पहले ना हेल्थ बढ़ाऊंगा यार, मतलब कि यार वरना फिर मैं अगर किसी एनिमल ने अटैक कर दिया मैं तो मर जाऊंगा भाई। अबे साला चीटर भाई साहब, मार ले, खुश हो जा बेटा खुश हो जा भाई साहब, मैं कुछ भी नहीं कह रहा था उसको भी तो, क्या यार चलो कोई नहीं गाइस, अभी हम दूसरी जगह पर स्पॉन हो चुके हैं, एंड यहाँ पर अभी मैं थोड़ा सा ऐसे एरिया पे आ गया हूँ जहाँ पे सामने की तरफ थोड़ा डेजर्ट है एंड इस तरफ थोड़ा फॉरेस्ट टाइप है। तो यहाँ पर हम अपना जो है अपना मतलब कि घर जो है उसको क्रिएट करते हैं, तो देखते हैं यहाँ पर हमारा कहाँ सूट करता। तो आप लोग कह रहे होंगे तो टेढ़ी सी जगह है, बट यार मैं कुछ सोच समझ के यहाँ पर अपना घर जो है बना रहा हूँ। अब इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है जो कि मुझे भी नहीं पता, तो यार मेरे को कोई ढंग की जगह ही नहीं मिल रही थी, मेरा मूड सा खराब हो रहा था, बस यही रीज़न है, इसलिए मैंने यहीं पर घर बनाना शुरू कर दिया। अभी यार भाई ताजमहल बना देंगे एकदम, ताजमहल देखा ना सेम वैसी बनेगा अभी, तो अभी हम देखते क्या बनाना है। ओके तो यहाँ पर अभी हमारा जो सबसे पहले ना बेस सेट हो रहा है, अभी बेस को सेट कर रहे हैं। अभी यार ये पत्थर बीच में पड़ा हुआ था, ये तो यार अपना शिट यार, ये तो पूरा घर खराब करेगा भाई, इस पत्थर को तो मैंने देखा ही नहीं, चलो कोई बात नहीं। हाँ इसमें पत्थर हट जाते हैं, आपको ना एक नया वो बनाना पड़ेगा, हैमर बनाना पड़ेगा, अगर आपको ये पत्थर हटाने हैं ना तो हैमर बनाना पड़ेगा। तो हैमर बनाने के लिए हमें सबसे पहले लकड़ियाँ तोड़नी पड़ेगी खूब सारी, और कुछ पत्थर जो टूटे हुए पहले से होते हैं उन्हें कलेक्ट करना पड़ेगा शायद से। तो क्योंकि यार मैंने इस टाइप के सर्वाइवल गेम्स बहुत खेले तो मुझे पता रहता है क्या करना होता है कब। तो यहाँ पर अभी जो घर जो है हमारा लगभग बन चुका है,
तो मतलब कि घर का जो बेस है वो बन चुका है, तो भी हम सबसे पहले लगानी है वॉल्स लगा देते हैं ताकि कोई बाहर से बंदा अंदर ना आ पाए। तो सबसे पहले वॉल्स का सेटअप कर देते हैं, पूरी चारों साइड से सेटअप मतलब कि कंप्लीट करते हैं पहले, फिर आगे देखना है क्या करना है। यहाँ पर मैं इसे जल्दी जल्दी लगा देता हूँ क्योंकि इतना फालतू टाइम नहीं है अपने पे। ओके, तो ये वाला मैं इतना सा छोड़ देता हूँ ताकि अगर आप मतलब कि कोई बंदा गेस्ट वेस्ट अपने घर पर, वैसे तो ऐसा होता नहीं है, पता नहीं होता भी हो क्या पता आगे चल के क्या होने वाला है इस गेम के अंदर। क्या घर ही ये सिर्फ सर्वाइव करने के लिए बनते हैं, किस लिए बनते हैं मुझे नहीं पता। अभी मैंने इस गेम को इतना भी ज़्यादा नहीं खेला है, स्टार्टिंग स्टार्टिंग का खेल के छोड़ रखा है कई बारी इस टाइप की गेम्स। तो इसको इधर लगाना है मेरे को, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है यार घर बनाने में मतलब कि। और अबे बे, मैं घर से बाहर कैसे निकलूंगा? सीढ़ी से निकल सकते हैं? ओके 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 ओके, सीढ़ी भी तो होती है। हाँ, तो यहाँ पर मेरे को सीढ़ी लगाने की जरूरत है अभी, बट मैंने यार अपना घर को ग्राउंड फ्लोर में चारों साइड से बंद कर दिया। अब एंट्री कहाँ से होगी भाई? बंदे को घर में आना है तो वो कहाँ से आएगा? अबे ये क्या मजाक बना दिया है मैंने। कोई नहीं, इसे हम थोड़ा सा सही से डेवलप करने की पूरी कोशिश करेंगे, ऐसी बात नहीं है, बहुत बड़े आर्किटेक्चर है। ओके, तो ये कहाँ पर लगाया जाए? तो यहाँ पर ऊपर जाने के लिए एक सीढ़ी लगानी पड़ेगी, एंड ये वाली सीढ़ी तो ज़्यादा जगह घेर रही है। ओके, तो ये वाली जो सीढ़ी है बहुत कम एरिया जो है घेर रही है, एक ही स्क्वायर में ये पूरी की पूरी सीढ़ी जो है आ जाएगी। तो यहाँ पर इस सीढ़ी को लगा देते हैं, बट इस सीढ़ी में वुड्स यार 50 लग गई, बट कोई बात नहीं। अब यहाँ पर हमें ऊपर की छत जो है पूरी की पूरी अभी बनानी है, पूरी छत बनेगी। अब मैं ग्राउंड फ्लोर पर, तो मेरे को तो नहीं लगता किसी काम का रह गया ग्राउंड फ्लोर। ओके, तो मैं कुछ ऐसा सिस्टम बनाऊंगा कि हम एंट्री हमारी छत से हो, रहे हम ग्राउंड फ्लोर पे, कुछ ऐसा सिस्टम बनाएंगे। चलो ओके, तो यहाँ पर अभी हमारी जो छत है वो भी कंप्लीट हो गया एंड लकड़ियाँ खत्म होगी। तो चलो भाई जल्दी से पहले ना लकड़ी लेकर आते हैं। तो ओके गाइज, अभी हम वापस से वुड्स कलेक्ट कर आ चुके हैं, एंड यहाँ पर ना घर के अंदर जाने का कोई भी रास्ता नहीं है, तो मुझे यार सीढ़ी लगानी पड़ेगी पहले एक। और यहाँ पर शायद से वॉल रिप्लेस भी नहीं होती, तो कोई बात नहीं, हम एक ना सबसे पहले ये लगाते हैं, एक बेस बनाते हैं ताकि इसके ऊपर हम पहले सीढ़ी को बनाएं, एंड सीढ़ी को लगाकर छत पर जाएं, पहले अपने घर के अंदर हम खुद तो घुस पाएं, बनाने की तो बाद में सोचेंगे। तो यहाँ कहीं पता लगे सारा घर बना दिया और बाद में पता चल रहा है हम घर के अंदर ही नहीं जा पा रहे। वाह, तो यहाँ पर ये सीढ़ी कहाँ कैसे लगेगी? ये वाली सीढ़ी यार ज़्यादा घेरती है, इसको मेरे को समझ नहीं आ रहा, ये वाली सीढ़ी का लगाने कोई फ़ायदा है नहीं। तो पहले ऊपर चढ़ जाएं आराम से। भाई गेम के ग्राफिक्स यार मतलब कि दिल खुश कर देता है, अभी तो मैं पूरे हाई ग्राफिक्स पे खेल भी नहीं रहा और FPS भी मेरे लो हो रखे हैं, तो भी मैंने ज़्यादा ग्राफिक्स का सेटअप नहीं करा है। तो ओके, तो ये वाली जो सीढ़ी है इसको हम इस तरीके से रोटेट नहीं, मैं घुसूंगा कहाँ से सीढ़ी पर? ओके, तो मेरे को इस तरीके से नहीं लगानी, इसे पूरा रोटेट करना है। ओके नहीं, हाँ ऐसे लगेगी सीढ़ी, एकदम परफेक्ट, अभी एकदम परफेक्ट है। तो हमें इस सीढ़ी को इस टाइप से लगा देना है। अब क्या सिस्टम रहेगा कि हम इस तरीके से ऊपर आएंगे। ओके, तो अभी भाई बहुत अच्छा लग रहा है अपना घर, मतलब मेरे को तो नहीं लग रहा, आपको शायद लग रहा होगा। तो अभी हमें इसे और अच्छा करना है, तो यहाँ पर अभी हम छत पूरी कंप्लीट करते हैं पहले, ठीक है? ग्राउंड फ्लोर तो कूड़ा हो चुका है, उसे ठीक करना मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। तो ओके, तो एक यहाँ पर मैंने लगा दिया, तो एक यहाँ पर लगाएंगे, इस तरीके से लगा देंगे तो सीढ़ी बंद हो जाएगा भाई। ओके, तो इसमें अगर हमने एक भी गलत स्टेप कर दिया ना, तो भैया आपको बहुत ज़्यादा। ओके, तो हमें कुछ मिला है। ओके, तो ठीक है, इसको बाद में देखेंगे क्या है, पहले हम अपना घर को पूरा कंप्लीट करना चाहेंगे भाई। मतलब बहुत मजाक सा बन गया हमारा घर, मैंने ताजमहल सोच के इसे बनाया था तो ये बनाया भाई साहब, लाल किला सोच के बनाया होता तो क्या बन गया होता, मैं तो ये सोच रहा हूँ, ताजमहल सोच के बनाया था तो भाई ये चीज़ बनी है। चलो कोई बात नहीं, अब यहाँ पर छत को हम बहुत बड़ा कर सकते हैं भाई, बहुत सही चीज़ है, छत को हम बहुत ज़्यादा बड़ा कर सकते हैं बहुत इजीली। तो यहाँ पर लगा देता हूँ मैं इसको ही पूरा, पहले ना स्क्वायर कंप्लीट करते हैं इसका ना, पहले पूरी शेप से ही करते हैं, शेप बहुत बेकार लग रही है मेरे को इस घर की, पहले इस घर की पूरी को शेप को स्क्वायर कर देते हैं पूरा। ओके, तो अभी जो हमारा घर है वो एक स्क्वायर या फिर पता नहीं समझ नहीं आ रहा रेक्टेंगल की शेप में जो आ चुका है, बट अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर अभी हमें लगानी है बाउंड्रीज, पहले छत पे भी एक रूम बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो एक रूम बाउंड्री पहले लगा दूँ कि समझ नहीं आ रहा मेरे को अभी, कुछ कुछ भी नहीं समझ आ रहा क्या करना चाहिए, कि मेरे को छत पे रूम बनाना चाहिए या फिर नहीं बनाना चाहिए। तो क्योंकि ग्राउंड फ्लोर में तो खुफिया रूम बन चुका है, क्योंकि घर से तो बंदा कोई आ ही नहीं सकता ग्राउंड फ्लोर से, तो वो एक टाइप से खुफिया रूम है, तो मैं छत पर एक रूम बनाता हूँ। चलो एक रूम छत पर भी होना चाहिए, तो क्या पता अभी इसके ऊपर एक फ्लोर और बनाना पड़े, फिर तो मज़ा आ जाएगा भाई, एक फ्लोर और मतलब अब तो इसे पूरा मतलब बुर्ज खलीफा बना देंगे भाई। तो यहाँ पर भी सारे फ्लोर बनाएंगे। ओके, तो यहाँ पर भी एक लगा देते हैं वॉल,
इधर भी एक वॉल लगेगा। तो गाइस फाइनली बहुत देर बाद, मतलब कि पौने 4 करोड़ साल बाद, हमने अपने घर में बहुत कुछ एडिट कर दिया है एंड कुछ ऐसा व्यू मिल रहा है घर का। एंड अभी मैं ग्राउंड फ्लोर पर थोड़ा बहुत काम कर रहा हूँ, फर्स्ट मतलब कि जो टॉप फ्लोर है वो मैंने कंप्लीट कर दिया। एंड अभी आपको पूरा घर का एक पूरा दिखाऊंगा कि हमारा घर कैसा लग रहा है। एंड अभी जो फाइनल काम है वो ग्राउंड फ्लोर पर हो रहा है, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर यार बहुत ज़्यादा कूड़ा बना है, मतलब कि यार क्या ही बताएं। तो यहाँ पर मैंने ग्राउंड फ्लोर पर थोड़ी बहुत एडिटिंग करी है, तो एक काम करते हैं ना, यहाँ पर अब बस वॉल लगा देते हैं एंड उसके बाद आपको मैं टॉप फ्लोर पर चलकर दिखाता हूँ क्या क्या मैंने एडिट करा है एंड अब घर जो है कैसा लग रहा है। तो इस चीज़ को, इतने एरिया को भी बंद करते हैं यहाँ पर वॉल लगाकर, ये काफ़ी सही लग रहा है। एक छोटा सा रूम मैंने ग्राउंड फ्लोर पर बना दिया जिसके अंदर आप डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं एंड टॉप फ्लोर जो इसके ऊपर फ्लोर है आपको देख के बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। एंड ये घर जितना गंदा बन रहा था ना स्टार्टिंग में, उतना ही अच्छा बन गया है। मतलब कि जो चीज़ मेरे से गलती से हो गई थी ना, वो चीज़ कोई गलत चीज़ नहीं यार, वो बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। अब वो कैसे है वो भी बताता हूँ। वो पहले मैं अपना ग्राउंड फ्लोर कंप्लीट कर दूँ ताकि एकदम मतलब देखने में लुक आ जाए। भाई साहब चीज़ चाहिए तगड़ी वाली। तो ग्राउंड फ्लोर में भी एक छोटा सा रूम आपको दिख रहा होगा बन गया। पहले जो सीढ़ी लगाई थी उस सीढ़ी को हमने एक रूम के अंदर कर दिया, जो कि यार मतलब बहुत सही चीज़ लग रही है यार। ये सब ऐसे क्या ऐसा आइडिया आ गया भाई मेरे को, क्या सही है। एक छोटे से रूम के अंदर मैंने एक सीढ़ी कर दी एंड यहाँ पर एक रूम भी हो जाएगा। तो यहाँ पर लगा देता हूँ, मेरे को ये यहाँ पर लगाना है वॉल। एक सेकंड मैं पहले लुक देख लूँ कहाँ पर लगेगा। ओके, तो ये जो वॉल है वो यहाँ पर इस एरिया पे लग जाएगी, ठीक है। तो मैं इस वॉल को यहाँ पर फिट कर देता हूँ एंड अब लग जाएगा यहाँ पर एक डोर। मैं डोर नहीं लगाया था मैंने, इसलिए मेरा ग्राउंड फ्लोर खराब हुआ था। अब फाइनली हमारा जो घर है गाइस वो कंप्लीट हो चुका है, तो मैं आपको एक पूरा चलकर दिखा देता हूँ। तो ये हमारा गेट एंड ग्राउंड फ्लोर आपने देख ही लिया था कैसा है। तो ये हमारी छत, और छत के ऊपर आओगे तो आपको एक और गेट मिलेगा इस तरीके का। तो इस गेट से जब आप आओगे तो आप वापस ग्राउंड फ्लोर पे आ जाओगे। तो मतलब अगर आपको ग्राउंड फ्लोर पे आना है तो आपको पहले एक सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी, फिर एक सीढ़ी उतरनी पड़ेगी। मतलब काफ़ी सीक्रेट रूम बनाया हमने इसको, तो गाइस बहुत ही ज़्यादा सही है। तो अभी हम अपने घर को आगे भी कंटिन्यू करने वाले हैं एंड देखते हैं गेम के अंदर आगे क्या होने वाला है, एनिमीज से कैसे फाइट होगी, क्या क्या होने वाला आगे गेम में। तो गाइस अगर आप चाहते हो कि इस पे मैं और भी पार्ट्स लाऊं या फिर इस सीरीज को कंटिन्यू करूं, तो प्लीज़ यार मुझे नीचे अगर कमेंट में जरूर बताना एंड वीडियो पसंद तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस और यार मिनी जो ऐप को डाउनलोड करना मत भूलना, बहुत ही कमाल की एप्लीकेशन है। पैसा कमाओगे, पैसा छापोगे भाई, छापोगे। तो गाइस गुड बाय आज की इस वीडियो में, इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।